नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितिन, स्वागत है आपके मेरे चैनल जीके अखबार पे। आज हम बात करने वाले फिलिप्स के ड्रीम सेशन वाइप ऐप के बारे में। ये ए वेब मोड कैसे वर्क करता है, इसकी सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं सबसे पहले बता दूं कि पुराना जो मॉडल था वाइप ऐप का ए वेब्स, वो ब्लैक कलर का होता था, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देख चुके होंगे। और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है और आई बटन में वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। तो वो मशीन जो थी उसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी, वो बहुत इजीली होती है। बट नई मशीन है ये, वाइट कलर की होती है ड्रीम सेशन, तो इसकी सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, नया नया है, तो सब लोगों की सेटिंग नहीं आती। तो इसकी सेटिंग पहले से कुछ डिफरेंट भी है, क्योंकि उसमें सेटिंग बहुत ईजिली हो जाती थी। इसमें सेटिंग के लिए लॉक खोलनी पड़ती है, सिस्टम लॉक हो जाता है, तो उस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिलिप्स रेस्पॉन्स का ड्रीम स्टेशन एवेब्स मशीन है। इसमें देख रहे हैं कि पीछे ये ह्यूमिडिफायर चैम्बर लगा हुआ है और सामने मशीन रखी हुई है। अब मैं ह्यूमिडिफायर चैम्बर को खोलता हूँ। इसमें यहाँ पे वाटर डाला जाता है। वाटर डालने के बाद इसमें इसको जैसे एजेटिज बंद कर देंगे, और इसके बाद हम देखेंगे एक साइड में इसका फिल्टर वगैरह होता है, और ये इसको इस तरह से हटा के हम विदाउट ह्यूमिडिफायर इस तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। ये ह्यूमिडेक्स फिल्टर के साथ में हाउस पाइप लगी हुई है, और मैं इसको निकाल रहा हूँ। और इसको हम लोग विद ह्यूमिडिफायर मेजोरिटी में दोनों तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स का गला सूखता है उन पेशेंट्स के लिए ह्यूमिडिफायर यूज़ करना नेसेसरी रहता है, बट इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है अलग से, तो उसको कुछ लोग परचेज नहीं करते हैं। हम हॉस पाइप को प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ये पाइप कहीं से भी लीक ना हो। ये तो बात है कि सेटअप कैसे करते हैं। हम इसको मशीन की सेटिंग करेंगे। ये ऊपर जो वाइट कलर का बटन होता है, इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्रेशर देने लगेगी। और अगर आपने जिस मोड पे सेट कर रखी उसी मोड पे आपको इसका प्रेशर मिलना लगेगा पेशेंट को। तो ये ऑन ऑफ का बटन है, मेनली ये कह सकते हैं। तो उसमें भी देख सकते हैं कि आप जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो जो भी आपने सेट कर रखा है 5:16 या 5:12, 5:10, जो भी प्रेशर आपने सेट कर रखा है, टाइडल वॉल्यूम 450 या 500, जो भी आपने सेट कर रखा है उसमें दिखने लगेगा, ठीक है। अब मैंने उसको गोल वाले बटन को घुमाया, और गोल वाले बटन घुमाने के बाद देखिए एस नोटी मोड पर लगा हुआ है। बस एस टी मोड पर क्लिक करने के बाद अब हम इसको रोटेट करके इसके जो मोड है उसको चेंज कर सकते हैं। SST CPAP PC जो भी मोड है आपको सेलेक्ट करना है, आप इसको बटन गोल गोल वाले घुमा के इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको गोल वाले बटन को दबाएंगे तो क्लिक हो जाएगा, तो हमें ST मोड ही सेलेक्ट करना है, तो ST मोड हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो AVAPS का लगा हुआ है। AVAPS हम ऑन और ऑफ दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑन कर लेंगे तो क्या होगा कि IPAP की रेंज इसमें डल जाएगी, ठीक है, या 12 से 20 या 18 से 20 या 20 से 30, जो भी आप रेंज आना चाहें वो डल जाएगी। टाइडल वॉल्यूम में क्या करना है, जो डॉक्टर बोलेगा वो टाइडल वॉल्यूम में 450 जो भी बोलेगा वो हमें इसमें सेट कर देना है। इससे हम लोग इसे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम को भी। और सेम टू सेम हम IPAP मैक्सिमम पे आएंगे, मैक्सिमम IPAP 30 का है इसमें, जो भी आपको दिया हुआ डॉक्टर ने आपको वो सेट करना पड़ेगा, रेंज आनी पड़ेगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सेटिंग करते वक्त आपको वही रेंज डाल दी जो डॉक्टर ने आपको रेंज बताई हुई है, अपने माइंड से कोई भी रेंज नहीं डालेंगे। और ये IPAP मिनिमम 20 का, ये मिनिमम 15 भी हो सकता है, ठीक है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अब मैं इसको EPAP पे लेके आता हूँ। EPAP पे देखिए 5.0 मैंने कर रखा है। ये जनरली 5.0 कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है, ये किट इतना रहता है जनरली। बाकी क्रिटिकल कंडीशन में इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और इसको मैंने 5 पे फिक्स कर दिया। नेक्स्ट BPM आया, BPM बोले तो ब्रेथ परमिट 12 से 14 16 18, जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसको उस तरह से फिट करते हैं। पेशेंट की ज़्यादा सांस फूल रही तो उसको 16 18 कर सकते हैं, और कम है तो 12 पे रहने देते हैं। TI 1.8 का जो भी आप चाहें डिजायर्ड रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये SCAP का ऑप्शन है, यहाँ से एग्जिट हम लोग कर दिए हैं। और जैसे आपको देख रहे हैं कि पेशेंट कनेक्टिंग अलार्म इसमें बहुत सारे हैं, अपनी अलार्म है, ग्लो मिनिमम वेंटिलेशन अलार्म है, टाइडल वॉल्यूम लो टाइडल वॉल्यूम का अलार्म है, और नीचे एग्जिट का ऑप्शन है, ठीक है, मेन मेन्यू के लिए। हम आएंगे ये ह्यूमिडिफिकेशन का है। ह्यूमिडिफिकेशन आपको ऑन करना है ऑफ़ करना है, वो आप पे डिजायर्ड है, आपकी इच्छा है, आप जैसे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ह्यूमिडिफायर का ऑप्शन है, उसमें ऑन है ऑफ है, बाकी ट्यूबिंग है, और ये राइस टाइम है, मतलब और रैम वगैरह, ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेंगी, वरना इनको नहीं छूएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइस टाइम भी आप जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो वैसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं।
बाकी राइस टाइम लॉक कर देंगे तो ये कि लॉक रहेगा, आपस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्यूब आप दो तरह की होती हैं, 22 और 15 mm की, तो जैसे आप चाहें वैसी ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। जो मशीन के साथ आपको 22 mm की ही मिलेगी, क्योंकि बाइक पाइप के साथ मोस्टली 22 mm की ट्यूब ही यूज़ होती है। अब देखेंगे अगले कि ये ट्यूब टैप कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, मास्क टैप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मास्क टैप लॉक कर लिया नहीं कर लिया। मास्क को आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये चाहिए इसमें शो कर देगा, आप उसको देखना चाहते तो उसमें शो करने लगेगा, प्रेशर इसका CMS ट्यूब में है। बाकी लॉक को हम हमेशा ऑन करके रखेंगे, इससे क्या होगा कि कोई बच्चा आपकी मशीन छेड़खानी करता है तो इससे किसी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई मशीन खोल ले क्या कुछ भी कर दे, लेकिन इसमें सेटिंग एज इट इज सेफ रहेंगी। ठीक है, तो सेटिंग की वही खोल पाएगा जिसको पता होगा कि सेटिंग कैसे खोल ली जाती हैं। तो सेटिंग ही जो एक ऊपर रैम वाला जिस पर ट्रायंगल बना हुआ, गोल वाला बड़ा वाला बटन, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो उसी से लॉक खुल जाएगी और इसी से लॉक लग जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आप लॉक खोलेंगे, लॉक खोलेंगे तो उसको लॉक को बंद कर देंगे। अब साइड में देखिए, एक तरफ ये फिल्टर लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव फिल्टर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिल्टर करता है। और साइड में चिप का भी ऑप्शन ही देखिए, जैसे मैंने इसको फिल्टर को निकाल लिया, इसको चेंज भी हो जाता है, आप इसको खरीद भी सकते हैं एडवांस में। इस तरह से इसको बंद करना होता है, ये जो इसका सॉकेट है, बहुत काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मशीन बनाई हुई है फिलिप्स ने, ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। ठीक है, मैं तो इसको 100 में से 100 नंबर दूंगा इस वाले वाईपैप को। पिछले वाले में थोड़ा इनका शो अच्छी नहीं थी, बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव वाईपैप है। इसका रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिलिप्स का एवैप्स जो है ना बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी सेटिंग कर दी है, ये देख रहे हैं ये होता है ऑन ऑफ के लिए। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तब मशीन ऑफ हो जाएगी, और एक बार हल्का सा प्रेस करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो देखा आपने हमने मशीन कैसे सेट की, इसी तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप मशीन को सेट कर लेते हैं। और जो भी डॉक्टर ने सेटिंग दी हुई है, एबैप सेटिंग या एस मोड सेटिंग या एसटी मोड सेटिंग, जो भी सेटिंग दी हुई है हम, या टाइडल वॉल्यूम दिया है नहीं दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसकी सेटिंग हम लोग एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड, या कहीं पे आप अटक रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको ऑन फोन आपको सही जानकारी दूंगा। बट कॉलिंग टाइम जो 9 से 6 PM है, और इस ड्यूरेशन आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मशीन अगर परचेज भी करना चाहते हो तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, इन ऑल ओवर इंडिया आपको मशीन मिल जाएगी। और नए टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।